दोस्तों आपका अरविंद सैनी प्लांट नर्सरी में स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको इन पेंशंस के बारे में बताऊंगा। ये इन पेंशंस है और ये फ्लावरिंग वाला प्लांट है। इसको हो तो वैसे जो है ये परमानेंट जाता है, लेकिन इसकी गिनती जो होती है वो सीजनल प्लांट में होती है, क्योंकि ये अक्टूबर से ही ज़्यादा सेलिंग में आता है, क्योंकि गर्मियों के कारण, गर्मियों में भी ठीक ठाक चल जाता है लेकिन बरसात के कारण ये गल जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पानी होता है तो ये गल जाता है। तो दोस्तों ये जो है रेगुलर खिलता रहता है रोज़ रोज़। और देखिए आज तो ये बारिश पड़ी है तो हमारे यहाँ, तो बारिश में तो काफ़ी अच्छे प्लांट खिल गए हैं हल्के, लेकिन यही अगर मौसम वाली बारिश होती रोज़ रोज़ वाली तो ये अब जो है 2-4-10 दिन में प्लांट गल जाता, मर जाता। इसलिए आजकल तो ये जो है बिना मौसम की बारिश है थोड़ा, और ज़्यादा पड़ी नहीं है, हल्की फुल्की बारिश पड़ी है, तो उसमें जो है पौधे की ग्रोथ भी ठीक हो गई है और फ्लावर भी अच्छे हो गए हैं। ये देखिए, तो दोस्तों ये इनफ्लोरेसेंस प्लांट है और फ्लावरिंग वाला है, और ये ग्रोथ भी इसकी जो है छोटी सी रहती है, 1 फीट आधा फीट करीबन इसकी हाइट होती है, और नीचे नीचे काफ़ी भर जाता है, और 8-10 इंच का गमला ये पूरा जो है ग्रो हो जाता है, एक ही प्लांट भर लेता है, काफ़ी अच्छा चलता है। तो दोस्तों इसको पानी जो है बहुत ही कम चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा ही चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि आजकल तो बिना मौसम की बारिश है हल्की हल्की, थोड़ा बहुत पड़ा और जो है सफ़ा हो गया मौसम। अगर यही मौसम वाली बारिश होती तो जब है बरसातों में ज़्यादा करके गल जाता, अब तक मर जाता, लेकिन अभी नहीं मरा, अभी चल रहा है ठीक। और ये जो है मार्च अप्रैल तक काफ़ी अच्छा खिल जाता है, बहुत अच्छा मार्च अप्रैल तक, और इतनी कोई केयर भी नहीं है। और इसको हैंगिंग बास्केट में भी हम इसको लगा सकते हैं, और लंबी ट्रे में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लंबी ट्रे में 3-4 प्लांट आ जाएंगे और काफ़ी अच्छा जो है ग्रो हो भी जाता है, भर भी जाता है, काफ़ी अच्छा सुंदर लगता है। इसके लिए फ्लावरिंग बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, पूरी स्टार की तरह है और डबल शेड में है देखिए, और इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी अच्छी खूबसूरत हैं ये देखिए, और फ्लावर भी काफ़ी अच्छा है, इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है और उतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, जो कि टहनियाँ अपनी, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि बड़े फूल हो जाते हैं और टहनियाँ संभाल नहीं पाती हैं, टहनियाँ टूट जाती हैं, तो ऐसा इसका नहीं है और चलता अच्छा है काफ़ी। और ये नॉर्मल मिट्टी में ही मतलब उग जाता है, जो हमारी खेतों की मिट्टी है उसमें भी चल जाता है, खेतों वाली मिट्टी में ही आप गोबर खाद, वर्मिंग कंपोस्ट मिला लीजिए और उसमें काफ़ी अच्छा खूबसूरत चलेगा ये प्लांट। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, और मेरी वीडियो जो है अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इनफ्लोरेसेंस प्लांट है, इसका नाम जो है इनफ्लोरेसेंस है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत प्लांट है, खूबसूरत फूल है, और देखिए कई सारे फूल इसमें जो हैं सिंगल हैं, जो डबल शीट में नहीं है, कई सारे फूल जो हैं साइड के वो ऐसे हैं कि चारों तरफ इसमें जो है पूरा स्टार बना हुआ है डबल शीट में वाइट कलर का, काफ़ी अच्छा खूबसूरत प्लांट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।